इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि रिफ्रेक्शन क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता क्या है। रिफ्रेक्शन होता है द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफ वेव व्हेन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जैसे कि ये ऊपर वाला हम मान लेते हैं कि ऊपर एयर है और ये बॉक्स जो है ये कांच का है, ग्लास का है, ठीक है। तो इसपे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रे आ रही है, ये इंसिडेंट हुई आई एंगल से, ठीक है। तो ये कम डेंस मीडियम है, ये ज्यादा डेंस मीडियम है, तो ये रे जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और यही डायरेक्शन इसकी जो ऐसे सीधे जाना चाहिए था वो क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी डायरेक्शन चेंज होने को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रेक्शन कहते हैं। अगर कम डेंस से ज्यादा डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, अगर ज्यादा डेंस से कम डेंस की तरफ जाएगी यहां से इधर जाए तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। ये होता है नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होते हैं, दो लॉज होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे तो रिफ्रेक्शन में भी दो लॉ होते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट, जहां पर रे आई है, इंसिडेंट पॉइंट आर इन सेम प्लेन में होते हैं। इनका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रेक्टेड रे जो है और इंसिडेंट पॉइंट, ये सब सेम प्लेन में होते हैं। जैसे कि हम एक कागज ले लें, ये कागज हमारे पास है, कागज, तो ये कागज देखिए ये एक प्लेन हो गया। तो इसी तरीके से ये एक प्लेन हो गया, ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, तो ये सारी चीजें एक प्लेन में है। ये नहीं कि ये एक रे इधर आ रही तो ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ नहीं जा रही, अगर अंदर बाहर होती तो प्लेन बदल जाता, क्योंकि ये एक सेम प्लेन में है। देखिए ये रे आई और ये रे चली गई, इसी बोर्ड पे बन रहा है, इस वजह से इसको, इसका मतलब क्या है, ये एक सेम प्लेन में है, ठीक है। तो इसको पहला लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे वे आर कॉन्स्टेंट। इसी को स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो म्यू इससे, इसको कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये होता है साइन आई अपॉन
साइन आर, मतलब इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसका साइन फंक्शन ले लिया, रिफ्रेक्टेड रे है उसका साइन फंक्शन ले लिया, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इसी को कहते हैं। अगर स्नेल्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। तो ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, क्या, रिफ्रैक्शन।